फ्रीलांसर मेंबरशिप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक होती है बेसिक इंट्रो मेंबरशिप, जो तकरीबन $1 पर मंथ में अपग्रेड हो जाती है। इसमें 15 बिट्स पर मंथ मिलती हैं, जिसमें 30 स्किल्स होती हैं। अनलॉक रिवॉर्ड्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बुक मार्क्स कर सकते हैं, कस्टम कवर फोटो कर सकते हैं। सेकेंड लेवल आता है बेसिक मेंबरशिप का, इसमें ऑलमोस्ट $5 पर मंथ अपग्रेड होता है। मैं $5 इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप जब लोड करते हैं कार्ड से तो परसेंटेज वगैरह कट जाती है थोड़ी सी, और उसमें तकरीबन $5 के अराउंड हो जाती है। और इसमें 50 बिट्स मिलती हैं पर मंथ, 50 स्किल्स होती हैं, रिवॉर्ड्स अनलॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बुक मार्क्स होते हैं, कस्टम कवर फोटो होती हैं, और 5 एम्प्लॉयर फॉलोइंग्स होती हैं। बुक मार्क्स का हम आगे जाके बताएंगे जी कैसे इसको बुक मार्क करते हैं। और फ़ायदा तो इसमें है कि आप पहले खुद ट्राई करें विदाउट एनी मेंबरशिप के, और अगर आप से कोई प्रोजेक्ट विन नहीं होता, और मोस्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई है, तो जो फ्री मेंबरशिप में आपको 10 स्किल्स मिलती हैं, जो 10 बिट्स मिलती हैं, जिसमें विन करना प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है, बहुत रेयर केस में विन हो सकता है। और जो बेसिक है ये स्टार्ट में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें 50 बिट्स पर मंथ मिल जाती हैं आपको और 50 स्किल्स होती हैं। तो आप सारी 50 स्किल्स सेलेक्ट ना करें, जो दी बेस्ट ग्रिप हो आप देखें उन स्किल्स में से आप सेलेक्ट करें 3 और 4, 50 स्किल्स पे ना जाएं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे। ये जो प्लस मेंबरशिप का लेवल है 9.95 पर मंथ पे अपग्रेड होता है, 100 बिट्स पर मंथ मिलती हैं, 80 स्किल्स हैं। ये वो लेवल है जब आप फर्स्ट मंथ सक्सेसफुली 1 या 2 प्रोजेक्ट्स भी इवन विन कर जाते हैं, और आप की जो अमाउंट आती है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे प्लस मेंबरशिप पे, ताकि आपके पास 100 बिट्स पर मंथ मिल जाए आपको, और उसमें स्किल्स 80 होंगी, पर आप उसी जो क्रीप है ना आपकी 4-5 में उसी के अंदर रहें। ये नहीं कि आप 80 स्किल जाएं तो 80 की 80 आप ऑन कर दें वहाँ पे, और इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे कि आप, क्योंकि इसमें फीडबैक्स आ रहे होते हैं, रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं, आपकी रिप्यूट बनाते हैं वो, तो वो अच्छे रहने चाहिए। और इसमें एक आपको बड़ा एक अच्छा ऑप्शन मिलता है डेली विड्रॉल्स का, कि आप डेली पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, अनलॉक रिवॉर्ड्स कर सकते हैं, और बाकी सेम यानी कि अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बुक मार्क्स है। जो डिफरेंट आता है यहाँ पे, प्रेफर्ड फ्रीलांसर एलिजिबल, कस्टम फोटो वही सेम पुराने वाला है, ये एम्प्लॉयर फॉलोइंग 10 को एम्प्लॉयर फॉलोइंग कर सकते हैं इसमें, एक्सटर्नल इनवाइसिंग कर सकते हैं 5 आप, और फ्री प्रोजेक्ट एक्सटेंशन कर सकते हैं, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट बिडिंग इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। प्रोफेशनल, अब ये प्रोफेशनल आप लाइक आप देखते हैं 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं आपको इसमें, ठीक है, और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब बिजनेस एक शुरू लेवल पे आप इंडिविजुअल चल रहे हैं, पर 3 to 4 मंथ जब आप उस पर वर्कआउट कर लेते हैं या 5 to 6 मंथ, तो वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपको इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते, फिर आपको टीम हायर करनी पड़ती है। अब जब टीम हायर करनी पड़ती है उसमें फिर आपको स्किल्स आप बेशक उतनी रखें 5 to 6, क्योंकि देखें आप वैसे अगर आर्टिकल राइटर हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं तो वो पर्टिकुलर उनकी स्किल्स होंगी। ये नहीं कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर वो जावा का भी होगा तो वो सी या टर्बो या सी शार्प वो सब पे ग्रिप नहीं होगी उसकी, पाइथन वगैरह मतलब देखें काफ़ी लैंग्वेजेज हैं, वो हर एक पे ग्रिप नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर अगर जावा का, जावा का एक्सपर्ट होगा। अगर राइटर है तो आर्टिकल राइटर बेस्ट होगा, वो ऐसे राइटर बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कोई लिख नहीं सकता, लिखने को या कोडिंग करने को राइट लेफ्ट के हो जाएगी बेस्ट।